रात के 10 बज रहे थे। पास के जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज आ रही थी कि तभी चुड़ैल अपने हाथों में छोटे बच्चे को उल्टा लटकाते हुए लाती है और तालाब पर पहुंचकर उसमें बच्चे को फेंक देती है और कहती है, आज मुझे ज्यादा देर लग गई इस काम को पूरा करने में, कल से जल्दी करूंगी। ये बोलकर चुड़ैल चली जाती है और अगले दिन फिर किसी छोटे बच्चे को पकड़ कर लाती है और उस तालाब में फेंक देती है, जिससे वो बच्चे वहीं मर जाते हैं। ऐसा वो हर रात किया करती थी। आखिर वो चुड़ैल कौन थी और क्यों बार बार छोटे बच्चों को तालाब में फेंक कर मार दिया करती थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में आगे बढ़ना होगा। ऐसे ही एक रात अचानक से चुड़ैल को उस तालाब के पास से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। तभी वो कहती है, मुझे जाना ही होगा, मेरी जरूरत है उनको। ये बोलकर चुड़ैल गांव की तरफ जाती है और फिर किसी माँ बाप के पास से उसके छोटे बच्चे को उठा लेती है। अगर कोई देख लेता तो उस पर वो अपना जादू चलाकर बांध दिया करती थी। बच्चे को ले जाने के बाद वो उसी तालाब में फेंक देती, जिसके बाद दो मगरमच्छ आते हैं और उस बच्चे को खा जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, लो तुम्हें भूख लगी थी ना, लो खा लो, और चाहिए तुम्हें। चुड़ैल के ऐसे कहते ही वो दोनों मगरमच्छ अपना बड़ा सा मुंह खोलते हैं और डरावनी आंखें दिखाते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, इसका मतलब तुम्हें अभी और भूख लगी है, मैं और बच्चों को लेकर आती हूँ। ये बोलकर चुड़ैल दो बच्चों को लाकर उस तालाब में खोखार मगरमच्छों के आगे फेंक देती है, जिसके बाद वो दोनों मगरमच्छ बड़ी बेरहमी के साथ उस बच्चे के हाथ पांव को काट कर खा जाती है। ऐसा करता हुआ चुड़ैल को गांव का एक आदमी देख लेता है, जो बहुत डर जाता है और घबरा कर भागने लगता है, मगर चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और वो कहती है, आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। छोड़ दो मुझे, जाने दो। अच्छा जाने दो तुम्हें, पर तूने तो मुझे देख लिया है, अब तू नहीं बच सकता, अब तुझे मरना ही होगा। ये बोलकर चुड़ैल अपने लंबे नाखूनों से उसके मुंह पर एक तेज निशान मारती है और उसे कच्चा खा जाती है, जिसके बाद वो आदमी मर जाता है और वो बोलती है, अच्छा हुआ इसे मैंने देख लिया, वरना गांव वालों को जाकर मेरे बारे में सब बता देता। ऐसे ही अगली रात वो चुड़ैल एक बच्चे को उठा कर ले जाती है, वो बच्चा बहुत रोता है। तभी वो चुड़ैल कहती है, चुप हो जा, एक आवाज नहीं आनी चाहिए रोने की। मैंने बोला चुप एकदम, इसका तो रोना बंद ही करना पड़ेगा मुझे। चुड़ैल इतना कहते ही उस बच्चे को जोर से जमीन पर फेंक देती है, सर में लगने की वजह से बच्चा वहीं मर जाता है। फिर चुड़ैल बच्चे को उसी तालाब में मगरमच्छ के हवाले कर देती है और दोनों मगरमच्छ उस बच्चे की बोटी बोटी को खा जाते हैं और चुड़ैल कहती है, अगर तू चुप हो जाता तो मुझे तुझे इतनी बुरी मौत नहीं देनी पड़ती, कोई नहीं बचेगा मेरे कहर से, चाहे मुझे हजार बच्चों को क्यों ना मारना पड़े। चुड़ैल को ऐसा बोलते हुए शीला देख लेती है और वो अपना मुंह बंद करके जल्दी से गांव के सरपंच के पास जाती है और सरपंच को उस चुड़ैल के बारे में सब बता देती है। तभी वो सरपंच कहता है, क्या मतलब, बच्चों को कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल ही गायब कर रही है, जो गांव के बाहर वाले तालाब में फेंक देती है। हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए वरना गांव का सारा भविष्य उस मगरमच्छ के पेट में होगा और सब बेऔलाद हो जाएंगे। कल मेरी बहन भी बहुत रोई, उसके 6 महीने के बेटे को वो चुड़ैल उठा कर ले गई और हम कुछ भी ना कर पाए। तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ उस चुड़ैल को कैसे रोकना है। ये बोलकर सरपंच एक भैरव बाबा के पास जाता है, जो कि चुड़ैलों को पकड़ने में माहिर थे। सरपंच उस भैरव बाबा को सब बता देता है, जिसके बाद वो भैरव बाबा एक बड़ी विधि करता है। उसके मंत्र पढ़ते ही वो चुड़ैल उसके बनाए हुए घेरे में आ जाती है और कहती है, हे तंत्रे, तूने ठीक नहीं किया मुझे यहाँ बुलाकर, ना ना ना, यहाँ मैं नहीं तेरी मौत आई है, छोड़ मुझे, बंद कर मंत्र पढ़ना, छोड़। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल बौखला जाती है, क्योंकि उसे तकलीफ होने लगती है। तभी उसे मगरमच्छ की आवाज आने लगती है और वो कहती है, छोड़ मुझे तांत्रिक, छोड़ मेरे बच्चे, मुझे बुला रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। तेरे बच्चे कौन हैं? तेरे बच्चे और कहाँ हैं? बता, वरना तुझे तेरे बच्चों के पास जाने नहीं दूंगा। छोड़ दे तांत्रिक, मुझे मेरे बच्चे रो रहे हैं। तांत्रिक उस पर भस्म फेंकता है। तकलीफ में आकर वो बोलती है, कुछ समय पहले की बात है,
मैं जंगल में अपने दोनों बच्चों के साथ झोपड़ी में रहा करती थी। तभी लकड़ी खत्म हो गई, तो मैंने अपने बच्चों से कहा, बच्चों लकड़ी खत्म हो गई है, मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ हम अकेले नहीं रह सकते, हमें भी ले चलो। हाँ हाँ माँ, हम अकेले क्या करेंगे, अगर कोई शेर आ गया तो? तुम दोनों सही बोल रहे हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, मेरे साथ ही चलो दोनों। कजरी इतना कहते ही अपने दोनों बच्चों के साथ आगे के जंगल में पहुंच जाती है और कहती है, बच्चों मैं लकड़ी काटती हूँ, जब तक तुम दोनों यहीं खेलो, ठीक है? ठीक है माँ। ठीक है माँ। बच्चे इतना बोलकर खेलने लगते हैं और कजरी लकड़ियाँ काटने लगती है। कुछ देर में बच्चे खेलते खेलते आगे की तरफ चले जाते हैं, जहाँ एक साधु बाबा अपनी तपस्या में लीन होते हैं। बच्चों को प्यास लगती है और वो बोलते हैं, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। अरे वो देखो सामने कलश है, उसमें पानी होगा। हाँ उसी पानी को पी लेते हैं। हाँ। बच्चे उस पानी को पीने चले जाते हैं, लेकिन गलती से उनके हाथ से साधु बाबा का पानी का कलश गिर जाता है। तभी आवाज से साधु बाबा की आंखें खुल जाती हैं और गुस्से से बोलते हैं, पाखंडी बालको तुम्हारा ये दुस्साहस, ये ठीक नहीं किया, एक तपस्वी साधु की तपस्या को तुमने भंग किया है, कठोर दंड के भागीदारी बनोगे अब तुम। बच्चों को ढूंढती हुई कजरी वहां पहुंच जाती है और साधु का क्रोध देखकर सब समझ जाती है। तभी साधु उसे देखकर कहते हैं, तो तुम ही वो निर्लज्ज माँ हो जो अपनी संतानों को यहाँ छोड़ गई, तुम्हारी संतानों की वजह से मेरी बरसों की तपस्या भंग हो गई, जिसके लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे बच्चे मगरमच्छ बनकर तालाब में खाने को तरसेंगे और तुम उनके लिए तरसोगी। नहीं बाबा क्षमा कीजिए, मेरे बच्चों को क्षमा कर दीजिए, मगर ऐसा कठोर श्राप मत दीजिए। तो इसी दंड के लायक है। साधु बाबा इतना कहकर चले जाते हैं और उसके दोनों बच्चे मगरमच्छ बन जाते हैं। ये देखकर कजरी बहुत रोती है और कुछ वक्त बाद दोनों मगरमच्छ तालाब में रहने लगते हैं। जहाँ कजरी उसे तालाब में खाना डालकर खिलाया करती थी, ऐसे ही एक दिन वो आ रही थी कि एक कार वाला उसे मार डालता है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाता है। मेरी मौत के बाद मैं चुड़ैल बन गई और अपने बच्चों को खाना देने लगी, लेकिन उनका इससे पेट नहीं भरता, तो मैंने गांव के बच्चों को गायब करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो छोटे बच्चे मेरे बच्चों की भूख मिटाते थे। अब सब सुन लिया हो तो मुझे छोड़ दे, अपने बच्चों के पास मुझे जाना है। लेकिन एक शर्त पर ही, तुझे हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर जाना होगा, बोल मानेगी? ठीक है मानूंगी सारी शर्त, बस बच्चों से मिलवा दो एक बार। चुड़ैल तांत्रिक की बात मान जाती है, फिर तांत्रिक उसे छोड़कर अपने बच्चों से मिलने देता है, जिसके बाद अपने मंत्रों से वो चुड़ैल और उसके बच्चों दोनों को मोक्ष प्राप्त करवा देता है। इसके बाद से गांव के लोग चुड़ैल के खौफ के बिना जीने लगते हैं।